कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन चीन से पाकिस्तान पहुंच गई है। ये वैक्सीन पाकिस्तान एयरफोर्स के खसूसी तैयारी के जरिए नूर खान एयरबेस पर पहुंची, जहां वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और चीन के सफीर पहले से ही मौजूद थे। वहां से ये वैक्सीन मुल्क भर में कायम कोल्ड स्टोरेज सेंटर्स में लेकर जाई जाएगी, जहाँ से सूबों में इसको तकसीम किया जाएगा, जिसके बाद मुल्क भर में वैक्सीन लगने का अमल 3 फरवरी से शुरू हो जाएगा। चीन की जानब से साइनोफार्म की 5 लाख खुराकें पाकिस्तान को मुफ्त दी गई हैं, जिसके बाद मुल्क भर के फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को पहले मरहले में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। हुकूमत का हदफ है कि वो 22 करोड़ की 70% आबादी को ये वैक्सीन मुहैया करे, ताकि वो हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर सके। लेकिन देखना यह है कि क्या हुकूमत इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन हासिल कर पाएगी। अपोजिशन जमातें हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं कि इसने मुफ्त वैक्सीन हासिल करने की कोशिश में पहले ही बहुत देर कर दी है। तमाम हुकूमत का कहना है कि ये मुख्तलिफ ममालिक से वैक्सीन दरामद करने की कोशिश कर रही है, और इस सिलसिले में इसने कोवैक्स प्रोग्राम के तहत ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका की 1.70 करोड़ खुराकें हासिल कर ली है, जो कि पाकिस्तान को जून के आखिर तक मिल जाएंगी।